नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और सिलसिला बाजारों का में चर्चा होने जा रही है यहां पर एक बार फिर से कम्युनिटी बाजार के बारे में। सुबह का कारोबारी सत्र है, सबसे पहले तो ये जानेंगे कि कम्युनिटी बाजार आज खुला कैसा और कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है, कौन सी कम्युनिटीज में आज मुनाफा रहेगा और उन सब पर रूपा मेहता की क्या राय रहेगी, इस बात पर चर्चा होगी आज। शुरुआत कर रहे हैं सबसे पहले सोने चांदी में। तो सोने चांदी में देख रहे हैं कि सोना कल तो $1,850 पर था, आज $1,848 पर है, $2 टूटा है। वहीं सिल्वर $22 के आसपास ही ट्रेड कर रही है। सोने चांदी देख रहे हैं कि आज भी अपने सपोर्ट लेवल्स के साथ ही ट्रेड करते नज़र आ रहे हैं। तो ये जो जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं पूरी दुनिया के, वहाँ से अब ये जो बयान निकल के सामने आ रहे हैं महंगाई को लेकर और मॉनेटरी पॉलिसीज टाइट करने को लेकर, तो इन सब के मद्देनज़र और इन सब के बीच अब सोने चांदी की जो प्राइसेज हैं वो क्या रहेंगी और आगे सोने चांदी में निवेश करना सेफ रहेगा या नहीं, जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मार्केट एमसीवी पर। रूपा जी, सोने चांदी में देख रहे हैं कि जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं उन सबके बयान निकल के सामने आ रहे हैं कि वो मॉनेटरी पॉलिसीज को लेकर कुछ ना कुछ अपने अपने डिसीजंस लेंगे, तो आपको क्या लगता है जब जब सेंट्रल बैंक्स अपने डिसीजंस देते हैं तो उससे सोने चांदी में मंदी आ सकती है या फिर तेजी? देखिए, अभी जो सिनेरियो है और जिस तरीके का एक्सपेक्टेड है, मार्केट जो रिएक्ट कर रहा है उस हिसाब से एक्सपेक्टेड है कि सोने और चांदी के अंदर खरीदारी लौट सकती है और एक बार फिर से यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। सोना लगातार जो है वो प्राइजेस को होल्ड किए हुए है। अभी जो है यूएस का इन्फ्लेशन डाटा भी आना है, उसके ऊपर भी काफी हद तक ध्यान रहेगा और इंटरेस्ट रेट हाइक के ऊपर भी अभी फोकस रहेगा। तो काफी सारे ट्रिगर्स हैं जिसके ऊपर डिपेंड करेगा कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है। और अभी के लिए जो ट्रेंड बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो $1,820 से लेकर $1,860 की रेंज फिलहाल सोने में बनती हुई दिखाई दे रही है। इसी रेंज के तहत मुझे लगता है कि मार्केट जो है फिलहाल रिएक्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है। और अगर इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए तो इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से काफी सीमित दायरे में आज रेंज देखने को मिल सकती है। गोल्ड की एक्सपेक्टेड है कि नीचे में 50,600 तो ऊपर में 51,000 तक का रेंज जो है वो बना रह सकता है। हल्की करेक्शन एक्सपेक्टेड है कि आ सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा फिलहाल गिरावट बनती दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है रूपा जी, इसी के साथ कच्चे तेल में क्या लगता है? कच्चा तेल तो देख रहे हैं कि $120 पर है और MCX पर कच्चा तेल 9,000 के ऊपर है, तो आपको क्या लगता है कच्चे तेल में अब यहाँ से ट्रेंड कैसे रहने वाला है और क्या क्या कारण है जो कच्चे तेल को तेजी की ओर लेके जा रहे हैं? देखिए, मैंने पहले भी बताया था कि कच्चे तेल में यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी रखनी चाहिए और बाइंग करके चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 9,300 के ऊपर आज भी हम कच्चे तेल को ट्रेड करता हुआ देख रहे हैं और यहाँ से 9,400 का स्तर संभव है कि आने वाले दिनों में कच्चा तेल दिखा दे और 9,500 के स्तरों के लिए अभी भी इसमें 200 पॉइंट की गुंजाइश दिखाई देती है। और विदेशी बाजारों में भी लगातार हम बाजारों में तेजी आते हुए देख रहे हैं और कच्चा तेल सस्टेन है ऊपरी स्तरों पर, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर $120 के ऊपर अगर निकल जाता है तो $122 से $125 की भी तेजी बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। तो फिलहाल के लिए 9,500 के स्तरों के लिए कच्चे तेल में खरीदारी की रणनीति बनाकर चला जा सकता है। रूपा जी, बेस मेटल्स में क्या लगता है आज इंट्राडे में किस बेस मेटल में कितनी मंदी तेजी रहेगी? देखिए, जहाँ तक बेस मेटल की बात है, बेस मेटल में भी रुझान जो है वो पॉजिटिव ही दिखाई दे रहा है। कॉपर भी देखा जाए तो 800 के स्तरों को भी छू नहीं पाया है। एक्सपेक्टेड है कि 800 के स्तर के ऊपर निकलता है तो 820 तक की तेजी के लिए कॉपर जा सकता है और इसमें भी एक अपसाइड मोमेंटम कॉन्ट्रीब्यूशन में बना रह सकता है। तो मेरे हिसाब से इनके अंदर बाइंग पोजिशन ही रखना चाहिए, जो भी डिप मिले उस डिप में खरीदारी की तरफ रहना चाहिए। जिंक जरूर ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा लुढ़का है, जिंक के अंदर भी अगर देखा जाए तो बाइंग पोजीशन बनाकर चला जा सकता है और जिंक भी नीचे में 324 के आसपास मिले तो वहां पर एक बाइंग इनिशिएट करके चला जा सकता है 330 के स्तरों के लिए। जी रूपा जी, नेचुरल गैस में क्या कीमतें $10 भी देखने को मिल सकती है? देखिए, बिल्कुल एक्सपेक्टेड है कि नेचुरल गैस में $10 तक की तेजी जो है वो बनती हुई दिखाई दे सकती है। जिस तरीके से मार्केट चलता हुआ नजर आ रहा है और लगातार बाइंग है, हम इसमें तेजी आते हुए देख रहे हैं और मुझे लगता है कि अभी $10 तक संभव है कि नेचुरल गैस में बनता हुआ दिखाई दे सकता है। जी रूपा जी, आज आप नॉन एग्री कम्युनिटीज में टॉपिक्स क्या देना चाहेंगी? देखिए, नॉन एग्री कमोडिटीज की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि क्रूड में ही फिलहाल के लिए पोजीशन बनाकर चले, क्रूड अच्छा लग रहा है, यहाँ से क्रूड में तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है।
जी, तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कम्युनिटीज की।